hello and welcome to this another class of langlet academy. in my previous class, i said that i realized the students finding it really difficult to understand all the prepositions at the same time. that is why i divided the prepositions into various short classes. the topic of today's class is prepositions of place. we had discussed about the prepositions of time in the previous class. today we are going to discuss about the prepositions of place. So let's begin. समेड कोई भी व्यक्ति या वस्तु किस जगह पर है यह बताने के लिए प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज किया जाता है बेसिकली प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस तीन मेन टाइप्स के होते हैं इन ऑन और एट साथ ही हम अबाव ओवर और अंडर के बारे में भी पढ़ेंगे द लेडी इज सिटिंग ऑन द चेयर इस पिक्चर में हमें लेडी की लोकेशन पता चल रहा है कि लेडी चेयर के ऊपर बैठी है इसे बताने के लिए हमने ऑन का यूज किया है अब ये चेयर कहाँ है द चेयर इज इन द शॉप यहाँ हमें चेयर की लोकेशन के बारे में पता चल रहा है कि चेयर शॉप के अंदर है तीसरे सेंटेंस में द शॉप इज एट मालवीय रोड यहाँ हमें शॉप की लोकेशन के बारे में पता चल रहा है कि शॉप कहाँ पर स्थित है यह मालवीय रोड पर स्थित है यानी कि लोकेटेड है और एग्जांपल्स देखते हैं द बॉय इज वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस यहाँ हमें बॉय की लोकेशन के बारे में पता चल रहा है बॉय कहाँ पर है वह घर के एंट्रेंस पर खड़ा है यू हैड लेफ्ट योर बैग इन द रूम यहाँ पर हमें बैग की लोकेशन के बारे में जानकारी मिल रही है कि बैग कहाँ है बैग रूम के अंदर है इज there एनी बुक ऑन द टेबल क्या टेबल पर कोई किताब रखी है यहाँ हम की लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं बुक कहाँ है टेबल के ऊपर है अपने एग्जाम्पल्स देखे आपको इससे ये समझ में आया होगा कि हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु यानी पर्सन या थिंग की लोकेशन के बारे में बताने के लिए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज़ करते हैं एक और बात गौर करने जैसी है के हम इस लोकेशन को अलग अलग तरीके से बताते हैं कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है वह उसको छू रही है कोई चीज़ किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर है या कोई चीज़ किसी जगह या चीज़ के अंदर है या उसके नीचे है इस तरह से अलग अलग लोकेशंस बताने के लिए हम अलग अलग प्रपोजिशन्स ऑफ प्लेस का यूज़ करते हैं अब इसे इन पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स में समझते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एट की एट इज़ यूज टू डिस्कस अ सर्टन पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब कोई चीज़ या कोई व्यक्ति लोकेटेड है तब हम एट का यूज़ करते हैं ऐट इज़ यूज टू शो एन एग्जैक्ट पोजिशन और अ पर्टिकुलर प्लेस किसी भी व्यक्ति या चीज की एग्जैक्ट पोजिशन या लोकेशन या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस पर अगर वह है यह बताने के लिए ऐप प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल आई मेट हर ऐट द एंट्रेंस मैं उसे दरवाजे पर मिला या आई मेट हर ऐट द बस स्टॉप मैं उसे बस स्टॉप पर मिला इस तरह से किसी भी व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए एट का यूज किया जाता है टेबल पर बैठ के यानी टेबल के सामने बैठकर लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए भी हम एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं शी सैट एट द टेबल विद अ फ्रेंड फॉर डिनर इसी तरह से अगर किसी पर्सन या थिंग की लोकेशन किसी इवेंट की हो तब हम एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं जैसे मैं उसे एक कॉन्सर्ट में मिला या मैं उसे किसी पार्टी में मिला तो हम लिखेंगे ही विल सी मी एट अ कॉन्सर्ट वह मुझे कॉन्सर्ट में मिलेगा आई रिमेंबर वी मेट एट पार्टी मुझे याद है हम एक पार्टी में मिले थे तो किसी भी व्यक्ति की एग्जैक्ट पोजीशन या पर्टिकुलर लोकेशन बताने के लिए हम एट प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं एट प्रपोजिशन इज ऑल्सो यूज टू टेल अबाउट अ प्लेस वेर यू आर टू डू समथिंग टिपिकल लाइक वॉच अ फिल्म स्टडी वर्क एक्सेट्रा इसका मतलब है एट प्रपोजिशन का इस्तेमाल उन जगहों को बताने के लिए भी यूज किया जाता है जहाँ पर कोई टिपिकल या विशेष प्रकार का कार्य होता है जैसे कि थिएटर में मूवी देखना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ना या किसी जगह पर काम करना फॉर एग्जाम्पल ही स्टडीज़ एट गुजरात यूनिवर्सिटी वह गुजरात यूनिवर्सिटी में पड़ता है अब हमें यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी की लोकेशन बतानी है वहाँ पर पढ़ाई का काम हो रहा है तो यहाँ हम एट का इस्तेमाल करेंगे वाई कॉन्ट यू कम एट वर्क ऑन टाइम तुम काम पर समय से क्यों नहीं आ सकते यहाँ काम एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक टिपिकल काम होता है तो यहाँ हम एट प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इन इन इज़ used टू डिस्कस एन enclosed स्पेस What इज एन enclosed स्पेस एन enclosed स्पेस means वो जगह जहाँ पर कोई बाउंड्री uh, है या चार दीवारी है या जिसकी कोई लिमिट है एनक्लोज्ड स्पेस में किसी चीज़ की लोकेशन को बताने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्जाम्पल आई वॉच टीवी इन द लिविंग रूम आई लिव इन न्यूयॉर्क लुक एट द पिक्चर इन द बुक शी लुक्स एट हर सेल्फ इन द मिरर शी इज इन द कार लुक एट द गर्ल इन द पिक्चर दिस इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड अब हम इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके समझते हैं आई वॉच टी वी इन द लिविंग रूम यहाँ पर टी वी मैं देख रहा हूँ कहाँ देख रहा हूँ लिविंग रूम में लिविंग रूम एक एनक्लोज स्पेस है एक लिविंग रूम की चार दीवारी होती है एक बाउंड्री होती है एक लिमिट होती है उस जगह को हम लिविंग रूम कहते हैं और इस चीज़ को बताने के लिए हम इन प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं इसी तरह से किसी कंट्री को बताने के लिए या किसी सिटी को बताने के लिए हम इन का यूज़ करते हैं आई लीव इन न्यूयॉर्क क्योंकि कंट्री सिटी टाउन इन सब की भी एक बाउंड्री होती है लुक एट द पिक्चर इन द बुक पिक्चर बुक में है और बुक एक एनक्लोज चीज़ है शी लुक्स एट हर सेल्फ इन द मिर मिररर भी मिरर की भी एक लिमिट है एक अपने आप में उसका दायरा है कोई भी चीज मिररर के अंदर या बाहर हो सकती है आप मिरर के आगे से हट जाएंगे, उसके दायरे से बाहर चले जाएंगे तो आपको अपनी इमेज दिखाई नहीं देगी तो मिरर हैज अमिट अ बाउंड्री और वो अपने आप को मिरर में देख रही है हिंदी में आप ये समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि मे शब्द के लिए इन यूज होता है पर यह हर बार नहीं होता है प्रपोजिशंस कैन नॉट बी सॉल्व डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसलेशन आप हिंदी से ट्रांसलेशन करके हर समय प्रिपोजिशंस को सही सॉल्व नहीं कर सकते आगे देखते हैं शी इज इन द कार एक इन्क्लोज है एक बंद चीज़ है लुक एट द गर्ल इन दिक्चर अगर ये पिक्चर है तो इसकी भी एक लिमिट है इसके बाहर पिक्चर नहीं है पिक्चर है इसके अंदर ही है तो पिक्चर में अगर किसी गर्ल की इमेज बनी है तो दैट इज इन दिक्चर दिस इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड वर्ल्ड जो है उसका अपना एक दायरा है अपनी एक लिमिट है सो so, यहां पर भी हम इन यूज करेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन की ऑन इज यूज टू डिस्कस अ सरफेस सरफेस यानी कोई सतह है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यह एक टेबल है अगर यह एक टेबल है तो और इसके ऊपर एक बॉल रखा है यह बॉल इस टेबल के सरफेस को टच कर रहा है मतलब ये बॉल इस टेबल की सतह पर है ऑन को यूज करते हैं एक सरफेस को बताने के लिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ और पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं सरफेस से अटैच्ड होना चाहिए अब लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल पिक्चर जो है वो दीवार पर टंगी हुई है इस दीवार पर लगी हुई पिक्चर ये अटैच्ड है इस दीवार से इसको बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे अगर रिवर के साइड या बाजू में है तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे बनारस इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर गंगा के लेफ्ट साइड में बनारस स्थित है ऑन यूज होता है टू शो दैट समथिंग इज इन द दोजिशन अबाव समथिंग मतलब किसी चीज के ऊपर है और वो उसको टच कर रहा है दो चीजें इंपॉर्टेंट है एक तो वो ऊपर होना चाहिए और सेकेंडली वो कर रहा होना चाहिए द बुक इज ऑन पिक्चर से आपको बताया था वंस अगेन बुक इज ऑन पर कोई बुक रखी हुई है डेस्क तो ये डेस्क के ऊपर भी है और डेस्क को टच भी कर रही है इस केस में हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे ऑन का यूज किसी भी चीज की साइड लोकेशन बताने के लिए भी किया जाता है जैसे शॉप इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड इसी तरह से कोई भी बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर कोई चीज लोकेटेड है ये बताने के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है जैसे माय अपार्टमेंट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑन को यूज ट्रैवलिंग मेथड्स को बताने के लिए भी किया जाता है कि हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं या हम कैसे ट्रैवल करना चाहते हैं आई लव ट्रैवलिंग ऑन ट्रेंस ऑन द बस ऑन अ प्लेन इसी तरह से टीवी या रेडियो पर कोई प्रोग्राम आ रहा हो या किसी प्रोग्राम या किसी भी चीज़ की बात हो रही हो तो हम ऑन का यूज़ करते हैं माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन टी या ऑन द रेडियो इज़ रामायणा अब हम बात करते हैं अबव और ओवर की अबव और ओवर भी ऑन के ही प्रकार हैं पर इनमें डिफरेंस ये है कि कोई भी चीज कितनी ऊपर है अब मीन्स हायर देन समथिंग। मैंने आपको बताया था ऑन मीन्स जो किसी चीज़ पर किसी चीज़ पर रखी है और उसको टच हो रही है अबव हायर देन समथिंग इस चीज़ से कुछ हाइट पर है तो हम उसे अबव के थ्रू बताएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल द पिक्चर हैंग्स अबव माई बेड पिक्चर अगर ये बेड है पिक्चर कुछ ऊपर टंगी है हैंग कर रही है न कि बेड से टच कर रही है इसी तरह से ओवर भी हाइट को बताता है यह किसी चीज़ को ऑन की तरह टच कर नहीं करता है बट एक आ, अबाव से भी ज़्यादा हाइट के लिए बताया जाता है द कैट जम्प्ट ओवर द वॉल अगर यह वॉल है और कैट उसके ऊपर से जा रही है तो हम यूज़ करेंगे Cat jumped over the wall. अब हम बात करते हैं बिलो की बिलो और अंडर दोनों ही किसी भी कोई भी चीज किसी चीज के नीचे है यह बताने के लिए किया जाता है फॉर एग्जाम्पल द पायलट लुक्ड एट द सी बिलो पायलट ने ऊपर से सी को देखा सी कहाँ है बिलो यानि नीचे ऑब्वियसली पायलट प्लेन चला रहा है और सी यानी समुद्र बहुत ज़्यादा नीचे है तो जब दूरी ज़्यादा हो तो हम बिलो यूज़ करते हैं दूरी कम्पेरेटिवली ज़्यादा हो अंडर का मतलब भी नीचे होता है पर यह दूरी कंपेरेटिवली ज़्यादा नहीं होती द कैट इज़ अंडर द टेबल आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैट अंडर द टेबल और सी बिलो द प्लेन दोनों में दूरी का कितना अंतर है अंडर का इस्तेमाल इस तरह से भी किया जाता है कि अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे रखी हो और उसे छू रही हो तो उसे बताने के लिए भी हम अंडर का यूज़ करते हैं सपोज़ पिलो के नीचे कोई बुक रखी है तो हम ये कह सकते हैं द बुक इज अंडर द टेबल अंडर द पिलो द बुक इज अंडर द पिलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बी साइड और बिटवीन की बी साइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू यानी कि बाजू में या बगल में हमारा घर सुपरमार्केट के बाजू में या आवर हाउस इज बिसाइड द सुपर मार्किट इसी तरह से चीज़ों के बीच में या अगर किसी चीज़ के अगल बगल कोई चीज़ें हैं और वो दो चीज़ों के बीच में हैं तो हम ये बताने के लिए बिटवीन का यूज़ करते हैं आवर हाउस इज़ बिटवीन द सुपर मार्किट एंड द स्कूल मतलब हाउस के एक तरफ सुपर मार्केट है और एक तरफ स्कूल है तो हाउस बिटवीन द सुपर मार्केट एंड स्कूल हुआ सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ दैट दिस प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस आर वेरी क्लियर टू यू आप इस वीडियो को ध्यान से देखें दोबारा देखें से अच्छे से समझें और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रीपोजिशंस आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगे